नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने जो यूपी टेट कल प्राइमरी सेक्शन का हुआ था उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलिए ये पेपर कैसा था, इसके सेक्शन कैसे थे, ओवरऑल कैसा था, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन में जो हिंदी का पोर्शन आया था वो इजी टू मॉडरेट था। बच्चों ने 30 में से 20-25 कर दिए होंगे, ठीक है। इंग्लिश का था वो भी इजी टू मॉडरेट था, उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे सभी ने। और आपका इन्वायरमेंट का इजी था, इजी टू मॉडरेट था, इसमें भी 20-25 क्वेश्चन बच्चों ने कर ही दिए होंगे। परंतु ये है जो जो बच्चों ने स्टडी की है उनके लिए। परंतु यूपी टेट में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या 60% ऐसे बच्चे हैं जो फार्म भर देते हैं फिर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है ढंग से। और अब आपका मैथ थोड़ा टिपिकल था और साइकोलॉजी मॉडरेट टू हार्ड थी, हार्ड ही कह सकते हैं हम इसको। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह की बच्चे अपीयर हुए हैं उनके अनुसार पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड भी था किन के लिए, 50% के लिए। मॉडरेट टू हार्ड था 50% के लिए और हार्ड था 80% के लिए और इजी केवल 5% के लिए। तो अगर हम एक एनालाइज लगाएं कि कितने परसेंट रिजल्ट रहेगा, तो यह रिजल्ट जो आपके पास्ट रहा है 2, 5, 10 मैक्सिमम 15% तक रहता है यूपी टेट। इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ जाए, 20 तक आ जाए, 20% तक आने की उम्मीद है, ठीक है। 20% आ जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था इस बार, तो इतना 20% रिजल्ट आ सकता है यूपी टेट, जो कि एक हिस्ट्री होगा क्योंकि आज तक इतना रिजल्ट कभी नहीं रहा है। चलिए देखते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका यूपी टेट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इस यूपी टेट के लिए ही ठहरी हुई हैं। जैसे ही ये आएंगी तो वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। चलिए नमस्कार, जय हिंद।